तो नमस्कार भाई लोग, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज के वीडियो में बात करने वाले हैं हम कि मैक्सिमम कितना जीबी या एमबी का एक फाइल हो सकता है हमारे अभी रियल वर्ल्ड में। तो ये जो कितना एमबी या जीबी का जो फाइल हो सकता है, ये जो है मतलब कोई इसका कोई एक जवाब नहीं है कि मतलब मैक्सिमम इतना जीबी का फाइल या इतना एमबी का फाइल या इतना टीबी का फाइल एक मैक्सिमम हो सकता है। मेरे कहने का मतलब है कि रियल वर्ल्ड में जैसे कि एक जीबी का मूवी होता है, दो जीबी का मूवी होता है, तीन जीबी का मूवी होता है, चार जीबी का कभी कभी मूवी आ जाता है। तो कहने का मतलब मैक्सिमम फाइल का जो होता है साइज कितना हो सकता है मैक्सिमम, कि उससे ज़्यादा लिमिट मतलब उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि एक लिमिट तो होगा ना कहीं ना कहीं। तो वही जो है सो आज हम बात करेंगे उसी के बारे में, ठीक है। तो आज तक एक बात हम बहुत पहले हुआ था कि हम एक बार विंडोज़ डाउनलोड किए, समझे, विंडोज़ का फाइल होता है 4.7 जीबी के आसपास है, विंडोज़ 10 का। उसके बाद उसको हम मेमोरी कार्ड में डालना चाह रहे थे, लेकिन मेमोरी कार्ड में वो गया नहीं, आधा पे मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला रहता था, उसके बाद जो है सो कैंसिल हो जाता रहा, पता नहीं क्यों फेल हो जाता रहा, जाता नहीं था, ठीक है। उसके बाद कभी हम इस बात पर ध्यान नहीं दिए, हम बहुत बार ट्राई किए दूसरी बार तीसरी बार, लेकिन कभी गया नहीं उसमें, मतलब पूरी तरीके से फेल हो जाता रहा अपने आप, कभी समझ में नहीं आया। लेकिन बहुत दिनों बाद समझ में आया कि एक फाइल लिमिट होता है, ठीक है। तो पहले अब के ज़माने में है कि एक टीबी दो टीबी कॉमन हो गया, किसी भी कंप्यूटर को आप खरीदिएगा तो एक टीबी का हार्ड ड्राइव होता ही है मिनिमम, जो है सो कभी कभी दो टीबी तीन टीबी भी आता है डेस्कटॉप में। और एक समय था जब दो जीबी का जो है सो मतलब हार्ड ड्राइव जो कंप्यूटर का स्पेस होता है बहुत ज़्यादा था। एक समय था जब 500 कुछ एमबी, 25 एमबी, 500 एमबी, 512 एमबी इसे रैम से बहुत ज़्यादा होता रहा। आजकल 16 जीबी, 32 जीबी का रैम होता है, कभी कभी 64 जीबी भी लगाता लगाने वाला आदमी सब। तो कहने का मतलब समय के साथ जो है सो चेंज होता गया। तो आज हम बात करने वाले हैं कि मैक्सिमम जो साइज़ होता है एक फाइल का वो कितना हो सकता है, ठीक है। तो आज के ज़माने में जो है एक 4K जो मतलब 2 घंटे का 4K मूवी है, अगर आप ले लीजिए तो कम से कम 45 जीबी के आसपास आता है 4K मूवी, ठीक है। और क्या, और एक 4K मूवी, और हम लोग जनरली HD ही देखते हैं तो 1 GB 2 GB में आ जाता है अगर हाईली कंप्रेस्ड है तो, ठीक है। तो बेसिकली कितना मैक्सिमम फाइल साइज होगा ये डिपेंड करता है हमारे फाइल सिस्टम पे, ठीक है। तो पहले के ज़माने में जो विंडोज़ 98 आता था तो उस समय जो है फाइल सिस्टम जो है FAT32 था, जो कि अभी हम लोग यूज कर रहे हैं मेमोरी कार्ड सभी अभी FAT32 में ही फॉर्मेट होता है। तो पहले उसमें FAT32 ही रहता था मतलब इसका मतलब फाइल सिस्टम, और अब हो गया NTFS, विंडोज़ विस्टा के बाद NTFS हो गया। तो फाइल सिस्टम ही डिसाइड करता है कि मतलब कितना जीबी का मैक्सिमम फाइल आप स्टोर कर पाएंगे उस ड्राइव में, और वो भी जो भी स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। तो मैक्सिमम फाइल सिस्टम जो FAT32 स्टोर कर सकता है वो होता है अप्रॉक्स 4.2 GB, ठीक है, 4.2 GB। इसलिए विंडोज़ का फाइल जो था 4.7 GB का था वो जाने रहा था उसे, मतलब रुक जा रहा था बीच में, 4.2 GB होता रहा उसके बाद कट जाता रहा, पता नहीं करके देखिएगा ऐसा होगा कि चला जाए कि मतलब 5 GB 10 GB का फाइल जाता है कि नहीं FAT32 में। उसके बाद NTFS जब आया विंडोज विस्टा के बाद, तो NTFS मैक्सिमम जो फाइल स्टोर कर सकता है वो होता है 18 exabyte, और अभी तक 18 exabyte का ड्राइव कहीं भी अवेलेबल नहीं है। 18 exabyte बहुत ज़्यादा होता है, उसमें आप 18 billion क्या कहते हैं उसको दूसरे लैंग्वेज में 18 billion GB भी बोलेंगे 18 exabyte को, 18 billion GB, और उसमें लगभग 400 million जो है आप 4K मूवी जो है सो आप डाल सकते हैं। तो इतना बड़ा भी ड्राइव बना भी नहीं है, पता नहीं कब बनेगा, तो NTFS भी बहुत लंबे समय के लिए चलेगा। और जब ऐसा समय आएगा कि 18 exabyte भी कम पड़ जाए तो आपको फाइल सिस्टम के बारे में दोबारा सोचना पड़ेगा, ठीक है। और भी जो कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो भी जो है सो लिमिट लगाता है कि मैक्सिमम कितना GB का या MB का फाइल आप स्टोर कर सकते हैं, एक सिंगल फाइल कितना बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो विंडोज़ 10 का लिमिट है 17.5 TB, मतलब 17.5 TB से ज़्यादा का आप मतलब एक सिंगल फाइल आप स्टोर नहीं कर पाएंगे विंडोज़ 10 में, तो ये लिमिट है। और भी अलग अलग चीज़ का अलग अलग लिमिट होता है। तो कहने का मतलब हाँ, लिमिट एग्जिस्ट करता है कि मतलब मैक्सिमम इतना GB का फाइल हो सकता है, उससे ज़्यादा का बढ़ ही नहीं सकता। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा हम किस बारे में बात कर रहे हैं। तो
यही था पूरा वीडियो कि मैक्सिमम फाइल साइज कितना हो सकता है। 532 में होता है यही कुछ, 4. कितना जीबी होता है, 4. कितना, 4.2 GB, 4.2 GB शायद, हाँ 4.2 GB। और एनटीपीएस का होता है 18 exabyte, तो लिखा हुआ नहीं है वैसे देख रहा था, तो 18 exabyte, तो यही हमको वैसे वैल्यू याद नहीं रहता तो हमको याद करना पड़ता है। तो यही सब जो है सो इतना मतलब इसी के हिसाब से जो है सो डिसाइड करते हैं। करें वाला समझ गए होंगे कि आपकी मतलब इतना मतलब हम कंफ्यूज हो रहे हैं। तो हाँ, लिमिट एग्जिस्ट करता है कि मतलब किसी फाइल सिस्टम का एक लिमिट होता है, उससे ज़्यादा का मतलब वैल्यू का फाइल आप एक बना ही नहीं सकते हैं। बहुत सारा कैमरा में होता है कि मतलब वो 2 GB 3 GB का फाइल बनाने के बाद जो है सो उस फाइल को वीडियो को स्टॉप करके नया फाइल क्रिएट कर देता है, ताकि जो है सो एक हैवी फाइल न क्रिएट हो, नहीं तो ऐसे में टीवी में पहुंच जाएगा एक फाइल अगर लंबा क्या कहते हैं टाइम लैप्स अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो। उम्मीद करते हैं समझ में आएगा को वीडियो, अगर वीडियो समझ में आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो। जय हिंद, जय भारत, पीस।